गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। सो गाइस, ये देखो यहाँ पे मेरी मम्मी लगा रही है अपनी खोपड़ी में कलर, और सामने हमारा व्लॉग चल रहा है। और अभी ये कलर क्यों लगा रही हैं? क्योंकि इनको जाना है मेहंदी में, और मेरे को भी जाना है क्योंकि मेरे को लेके जानी है इसलिए। वरना मेरी मम्मी कहती है कि मेरे साथ नहीं जाती, दूसरों के साथ जाती है, कहती हो ना? हाँ। इसलिए इनके साथ भी जा रही हूँ मैं। तो अभी ये कलर लगा रही हैं, और पीयूष गया अपने कार्निवल में, और मैं भी जाऊंगी शायद से नहाने। जाऊंगी यार ऐसे, क्योंकि बाहर जाना है तो नहाना पड़ेगा ना गाइस, ठंड हो रही है पर फिर भी नहाना पड़ता है। हम मेहंदी में जाने के लिए रेडी हो चुके हैं, अब हम मेहंदी में जा रहे हैं। मेरा पूरा लुक फलक दिखाएगी आपको, और फलक का पूरा लुक मैं दिखाती हूँ आपको। फलक का पूरा लुक अब पलक मेरा दिखाएगी। ये देखो गाइस, ये मेरी मम्मी का फेस है, और अब पूरा ऊपर से लेके नीचे तक देखो। साड़ी है ये, मम्मी की साड़ी है। साड़ी के नीचे सॉक्स पहन रखे, चप्पल पहन रखे, बस से बोलू हाँ, अच्छे से बोलूंगी। दो कटोरे मजा आएगी, थोड़ी थोड़ी ज्यादा जाएगी। अरे कार ला दे ऐसा बाइक वाला बिकी के लिए कार। और चेंज हो रही है देख, क्या गंदी ऊपर से थोड़े तोड़ के अच्छी अच्छी लेकर नहीं आनी। हरे मैं लेकर चल जाए भाई, इसको बाहर का चले। अभी इसमें दही खाती हूँ, दही पी रही है। ये वसी है ना, आयुर्वेद वाली है। हाँ ये शाम में ना। गाइज ये देखो, यहाँ पे मेरी मम्मी हल्दी घोल रही हैं दूल्हे के लिए, क्योंकि ये हल्दी लगेगी अभी दूल्हे के। अच्छे से भरो, चलो और पतली कर देते ना। और पतली कर दूँ? हाँ देख ले। हाँ थोड़ी सी और। अभी कैसे निकालूँ? हाथों से, ठंड लग रही है मेरे को। कहाँ देख रहे हो मैडम? ये डीजे का है ना। ये देखना मेरी मम्मी ने क्या लगा लिया। क्या लगाया मम्मी?
हल्दी की तैयारी हो रही है, हल्दी की तैयारी हो रही है, इसलिए ये टीका दिया है लगाने के लिए, तो मम्मी ने वो लगाया, बाकी सब लोगों ने भी लगा रखा है वहाँ पे। ये इन आंटी ने लगा रखा, आगे लगा रखा है, और यहाँ पे अभी फोटो वोटो खिंच रही है जो ये डेकोरेट कर रखा है ना इसकी, उसके बाद दूल्हे की फोटो खींचेगी, उसके बाद हल्दी लगते हुए फोटो खींचेगी, उसके बाद डांस होएगा। अभी वैसे तैयारी हो रही है अच्छे से, है ना मम्मी? गाइज ये देखो सामने हल्दी के लिए दूल्हा बैठ चुका है, अब यहाँ पे हल्दी लगेगी, अभी फोटो खींच रही है दूल्हे की, और सारे गेस्ट भी बैठ चुके हैं। हम लोग बस जाने वाले हैं थोड़ी बहुत देर में, है ना? हाँ गाइज हम बहुत देर से आ रखे हैं, मेरी मम्मी मेरे को जल्दी ले आई, मुझे पता जाना था, और हम लेट भी हो रहे थे, लेट हो रहे थे क्योंकि पीयूष को ट्यूशन जाना था, इसलिए लेट हो रहे थे। तो अब वो ट्यूशन जाएगा, तो मैंने तो कहा था मम्मी मैं आ जाती हूँ, मम्मी ने कहा नहीं मैं भी चलती हूँ, तो मम्मी भी मेरे साथ चल रही हैं, अब उसको ट्यूशन भेजेंगे, और मेरे को भी काम करना है अपना, फाइल वाइल का, इसीलिए मम्मी। हाँ गाइस पीयूष गया था कार्निवल में, चिली पोटैटो और चाउमीन का डब्बा कहाँ गया? नीचे चाउमीन का डब्बा भी लाया था, जिसमें से पीयूष ही खुद ही, ये देख सकते हो आप, खुद ही खा गया है। क्वांटिटी क्वांटिटी देखो बहुत कम थी, ये क्वांटिटी नहीं है, पता लास्ट में यही 120 दे रहे थे, लास्ट में आते 40 रुपए का ये दिया सामान। और गाइस आप देख सकते हो ये खा के आया, बताया, देख रहे हो ना आप, कहता आपके लिए ये लाए हूं, सब कुछ खा गए इसमें से। हाँ, और ये पलक का हाल देख लो आप, आते ही लग गए, बच्चा कुछ खा रही हूँ, बताया कहा कि कार्निवल में क्या क्या, बता दे लेटे लेटे, बता दे, चल बता देना प्लीज, ज्यादा भाव मत खा। पैरों गाइस इसके पैरों में इसलिए दर्द हो रहा है, इसने खूब वहाँ उबद मचाया, उबद 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 उबद, डांस का स्टॉल के डांस किया इसने, टिकट प्राइस थी, फिर लास्ट में फ्री होगी, पर बच्चे ना 10-10 रुपए देके फ्री में भी जा रहे थे टेंट को पीछे से, और मेरे को तो पता था यार मैम जल्दी में थी तो मैम चेक नहीं कर पा रही थी नोट। गाइस हम आ चुके हैं घर पे, और पीयूष आके अपनी कहानी सुना रहा है कार्निवल की, पलक मेरे लिए चाय बना रही है, और देखो गाइस मैंने कंगन डोरा भी पहन रखा है, आपको दिखा देती हूँ, है ना गाइस? और गाइस पलक गई है मेरी चाय बनाने, अब पीयूष मेरे को कहानी अभी नहीं सुनाएगा, आधी कहानी सुनाइए, अभी पीयूष को टीवी देखना है, उसके पैर में दर्द हो रहा है इसलिए, टीवी किस लिए देखना है, पैर में दर्द हो रहा है इसलिए, समझ गए गाइस? आपके पैर में दर्द हो तो आप टीवी देख लेना, सही हो जाएगा बिल्कुल।
ये देखो पीयूष क्या लिखा है, जय परशुराम, जय नील का परशुराम, और इस वाले पे जय श्री राम, वहां पे लिखवाया कार्निवल में टैटू बनवा के आया है गाइस। ये हिंदू है गाइस, ये लड़का हिंदू है, बिल्कुल कट्टर हिंदू, जिसको कोई नहीं जानता हो जान जाओ ये कट्टर हिंदू है। ये कार्निवल में पूरे मजे करके आया है और मेरी लड़की आते ही पड़ गई, पड़ने बैठ गई। आयुष दोस्त को अपने कंधे पे बिठा के डांस करवाया, देखा गाइस कंधे पे, ये पूरे मजे लेके आया, पूरे मजे, बहुत एंजॉय करके आया। आज मैंने बहुत खाया कि पाड़ा पाड़ा गाइस, भैंस की तरह पाड़ा। हाँ गाइस जब से आया जब से कह रहा सांस भी नहीं आ रही, चाय बनवा कर रखी है और अभी तक पी नहीं है और मैंने पी ली अपनी चाय और पलक दीदी आती फिर पढ़ने बैठ गई क्योंकि इसको अपनी फाइलें जमा करनी है। सोऊंगी थोड़ी देर। अब इस टाइम कौन सोता है शाम के टाइम? मैं 5 बजे मैं क्या किया? चलिए शुरू करते। टीचर्स ने बहुत सारे गेम रख रखे थे, मैंने 3 गेम खेले, तीनों में से एक भी नहीं जीता, फिर मेरा मूड ऑफ हो गया, मैं खेला ही नहीं क्योंकि गेम मैं जीत नहीं रहा था, मेरे पैसे बर्बाद जा रहे थे इसलिए मैं खेला ही नहीं। मेरे दोस्तों ने खेले, उन्हें मिली किसी को खींचा है, किसी को कभी खत्म नहीं होगी पेंसिल, वो बहुत सारे गिफ्ट मिले पर मैंने नहीं खेला क्योंकि मैं जीत नहीं पा रहा था मेरे साथ। फिर मैंने खाए छोले भटूरे, मैंने खाए डिमसिल्स, मोमोज, छोले भटूरे, चिल्ली पटेटो, चाउमीन और पेप्सी बस। और लास्ट में बर्गर वर्गर का नहीं, पिज्जा विज्जा। और मेरे दोस्त वो लाया था लास्ट में, पनीर का कुछ था अंदर, ब्रेड था ऊपर। अच्छा पनीर पॉकेट नाम था, कुछ अच्छी डिश लग रही थी। मैंने डांस भी किया। सुनो अब मैं बताता हूँ कौन 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 से स्टोल रखी थी। ये देखो ये 2 टैटू है, जय श्री राम का एक और एक परशुराम का। और वहाँ पे मैंने डोमिनोज रखा था, अमूल आइसक्रीम रखी थी। हाँ मैंने 220 रुपए की कॉफी पी, 220 रुपए की कॉफी पर मैंने देखिए आंटी इसकी ताली बजा रही है उसे बैठ के दी पर मैंने अपने दोस्तों को दे दी 220 रुपए की कॉफी दोस्तों को दे दी। अटैक मार दे मेरे साले, पता है क्यों? मुझे इलाके दे दे तो कुत्ते। गंदी लगी मुझे, कड़वी सी लगी। जब तेरी माँ बैठी में वो कॉफी जो थी गंदी वो पी गई थी सोच में, हाँ बैगडी में इतनी गंदी कॉफी थी, मैं उसको पी गई कि मेरे पैसे गए। पता है क्या हुआ? मैंने बोला कोई पिएगा कॉफी, मतलब मेरा मन था शेक का, मैंने बोला वनीला शेक दे दो। कह रहे देख, मेरे दोस्त ने बोला कॉफी पीऊंगा, मैंने बोला 20 रुपए तू दे दे। फिर कह रहा मेरे पे तो नहीं है, फिर मैंने पड़े में से निकाल के दिए 220 उस पे थे। फिर मैंने बोला रहने दे तू रख, मैं ही दे दूंगा। फिर मैंने निकाली, उसने कॉफी ली, मेरा मन भी नहीं था कॉफी। दानवीर करण सिंह की औलाद है, कतई गंदी लगती है, उनने दे दी। मैंने बोला ढक्कन मत दो, मैंने पहले पी, मेरे ऊपर थोड़ी सी गिर गई, मुझे कड़वी लगी, मैंने वैसी छोड़ दी। फिर मैंने लास्ट में एक घूट पी, फिर नहीं पी क्योंकि मुझे बहुत कड़वी लगी। 220 रुपए पानी में, ठीक है। और कॉफी पी, पेप्सी पी, और वहां पे वो भी आ रखा था एक है छोले भटूरे थे, चाउमीन थी, मंचूरियन थे, पेट की टंकी बना ली, पिज्जा था 220 रुपए का, इतना सा बर्गर लूट था, बजा रखी थी, सबवे था। अच्छा पर मैं सबवे खाते ही टेस्टी होता है। हाँ मेरी बहन कह रही थी मत खाइयो, मेरा मन था, कह रही मेरे लिए भी मत लियो, मैंने सोचा था खाऊं। छी इतनी गंदे चिल्ली पटेटो थे ना, ये लेके आया था मैंने जरा से चखे, एक दाना चखा होगा, इससे अच्छा हमारे स्नैपचैट वाला बना लेता है। अच्छा? इतने गंदे सुचिता, छी बिल्कुल उसमें कुछ भी नहीं। वो मेरी मम्मी को छी लगे, पता है क्यों? उस दिन मैं स्नैपचैट से भी मम्मी के हनी लाया चिल्ली पटेटो, और वहां पे भी हनी लाए, वहां से मम्मी को हनी चिल्ली पटेटो अच्छी नहीं, क्यों हमने खाए थे अच्छे थे भाई। उस दिन मैं लाया था मम्मी ने, पता हनी कैसे बनवा के लाया था उस दिन, तो हमने जब जाके खाए थे तो अच्छे थे। मम्मी को फिर जिस दिन मैं लाया था स्नैपचैट उस दिन भी आपको अच्छी लगे, और ये खुद के बनवा के लाया था ना, एकदम चटपटे स्नैपचैट से, अपने लिए तो बनवा के लाए चटपटे और मेरे लिए हनी ले आया। हनी महंगे होते हैं चटपटे। राम राम भाई सारिया ने, राम राम भाई, राम राम, राम राम, जय सियाराम, जय सियाराम। अब लड़ाई हो जाएगी दोनों किसी बात पे, मान जाओ टैटू। बोड़ी है मेरी, बोड़ी तो दिख भी ना रहा टैटू।
टैटू। सो गाइस आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।